नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आज बात करेंगे प्रदेश के एक गांव के ऐसे चिकित्सालय की जिसकी व्यवस्थाएं और हालत बद से भी बदतर हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर आने वाले मरीजों का इलाज कैसा होता होगा। जब यहां शौचालय में ही चिकित्सालय बना दिया गया हो तो वहां के इंतजामों का अनुमान लगाना ही मुश्किल है। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत की, जहां धरा सूख रही है, सूरज कंठ सुखा रहा है, लेकिन नाकारा सिस्टम गंदा पानी पिला रहा है और गंदे पानी पीने से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है कि कितना पिलाओगे जहरीला पानी। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड का एक गांव जहां लोग पानी पीने से भी डर रहे हैं। वजह, दूषित जल से लगातार दूसरे दिन भी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। दो दिन में 50 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। यहां जिंदगी खतरे में है, लेकिन हर कोई गलती छुपा रहा है। यहां जिम्मेदार सिर्फ वजह ढूंढने में ही लगे हुए हैं। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रतापगढ़ जिले का धरियावद उपखंड मुख्यालय, जहां के गर्डा गांव में इन दिनों आम लोग खौफजदा हैं। गर्मी की वजह से बाहर निकलना जितना मुश्किल हो गया है, उतनी ही समस्या पानी को लेकर भी हो रही है। यही नहीं, लोगों को पानी पीने से भी डर लग रहा है। दरअसल यहां दो दिन में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक के बाद एक लोगों में अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत होना शुरू हो गई, जिन्हें 108 और एम्बुलेंस की सहायता से धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। गोली का पानी पीने से लोग बहुत बीमार हो गए, कम से कम 40-50 लोग बीमार हो गए। और गोली का पानी मोटर से पानी पिया जाता है, इसलिए गोली का पानी खराब। दूसरे भी गड्ढा ग्राम पंचायत में कुछ लोग दस्त से ग्रसित पाए गए और डॉक्टर के सामने मेडिकल टीम गठित करके वहाँ पे सर्वे कराया। लगभग 2 से 3 दर्जन लोग वहाँ पे उपदस्त के पाए गए, जिसके लिए हमने प्रशासन को एवं हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सबका इलाज जारी है एवं इसका कारण या तो अत्यधिक गर्मी या फिर दूषित पानी हो सकता है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश के अनुसार उल्टी और दस्त होने का कारण तेज गर्मी या फिर दूषित जल पीना हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच मेडिकल यूनिट द्वारा करवाई जा रही है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार भीम सिंह शक्तावत भी गर्डा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मैं जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि गर्डा से कम 20-25 आदमी दस्त उल्टी से परेशान है, जैसे ही हमारे पास कॉल आया, हमने 108 से रवाना होके और तुरंत हम गर्डा गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि बहुत सारे बड़े, कम से कम बड़े बच्चे, औरतें, लेडीज सब उल्टी दस्त के शिकार हुए थे। कोई उल्टियां हो रही थी, दस्त हो रहे थे, हमने तुरंत 108 में उनको बैठाया। तो प्रशासन यहां गंभीर होने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी भारी तादाद में तबियत बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। 19 मई को 30 से ज्यादा मरीज सामने आए थे और 20 मई को 20 और नए मरीज सामने आ गए। लगातार दूसरे दिन भी भारी तादाद में लोगों की तबियत बिगड़ने की सूचना पर प्रशासन भी हरकत में आया जरूर। वहीं धरियावद उपखंड अधिकारी नवल किशोर गुप्ता स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उपखंड अधिकारी ने गर्डा के लिए प्रस्थान कर लिया, लेकिन गर्डा गांव में लगातार उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आलम ये हो गया है कि एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्राम गर्डा में कुछ लोग जो है उल्टी दस्त के शिकार हुए थे, 35 की संख्या में, उनको हमने मौके पर भी जो है प्राथमिक चिकित्सा करवाई थी और उसके बाद में जो है धरियावद का जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ उनको शिफ्ट किया और वहाँ उनको चिकित्सा करवाया और शाम को उनसे डिस्चार्ज किया। आज पूरे जो है 15-20 मरीज आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमारे ANPHD और उनके उच्चाधिकारी मौके पर ही हैं और उनके द्वारा थोड़ा जायजा लिया गया। जो वाटर का सैनिटेशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए,
उसको क्या नाम जो है और सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी भी तरह का कि क्या नाम जो है जो भी सावधानी और सहायता प्रशासन के स्तर पर अपेक्षित है हम बिल्कुल सजग हैं और सक्रिय हैं और निरंतर लगे रहे हैं और किसी तरह की परेशानी हमारे उत्पन्न क्षेत्र किसी भी ग्राम में आने नहीं देंगे और गर्डा वासियों को भी नहीं आने। फिलहाल धरियावत से मेडिकल की एक यूनिट गर्डा गांव पहुंचकर बीमार लोगों के उपचार में लगी है तो वहीं प्रशासन के आला अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की बात कह रहे हैं लेकिन सवाल इसलिए खड़ा होता है कि दो दिन में मरीजों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है और अगर गर्मी की वजह बीमार होना है तो स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों की उचित व्यवस्था जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है लू से बचाव के उपाय बताना और अगर वजह दूषित जल है तो पानी का सैंपल लेने के बाद भी रिपोर्ट आने में देरी क्यों की जा रही है। प्रशासन जहां सही वजह बताने में नाकाम हो रहा है वहीं बिना रिपोर्ट आए दूषित जल को कारण भी मान रहा है लेकिन फिर भी इंतजाम कुछ नहीं किए गए। लेकिन जनता जरूर सवाल खड़े कर रही है कि हमारी जिंदगी खतरे में है और हर कोई गलती छुपा रहा है। आखिर कितना पिलाओगे जहरीला पानी। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ के धरियावत से गिरीश पालीवाल की रिपोर्ट। तस्वीरें आपने खुद देखी प्रशासन इंतजामों की बात कर रहा है लेकिन एक बेड पर दो दो मरीज लेटा रखे हैं। इस तरीके से व्यवस्था जो है नाकाफी साबित हो रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहां पर लू की चपेट में आने से कई मरीज भी आ रहे हैं उल्टी दस्त की शिकायत उन्हें भी है लेकिन गर्मी को रोका नहीं जा सकता लेकिन अगर वजह दूषित जल का होना है तो उससे बीमार हुए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पानी के सैंपल लिए जाने की बात जरूर कही गई है लेकिन सैंपल की रिपोर्ट जो है अभी आना बाकी है और पूरे मामले पर वजह दूषित जल होना बताया जा रहा है लेकिन कुछ प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी असमंजस में भी नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब वजह ही नहीं पता तो किस तरीके से यहां पर इलाज किया जाएगा और इसीलिए हम भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर लू से और प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है अगर उससे बीमार लोग हो रहे हैं तो बचाव के उपाय बताने चाहिए और अगर दूषित जल से हैं तो उसके भी इंतजाम यहां पर करने चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश जुड़ गए हैं उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। गिरीश फिलहाल मरीजों का आंकड़ा जो है क्या वो घट रहा है या फिर अभी भी बढ़ती हुई संख्या सामने आ रही है फिलहाल इंतजाम क्या कुछ है? जी बिल्कुल पूनम बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रतापगढ़ जिले के दरिया उपखंड मुख्यालय के गरड़ा गांव में दो दिन में लगातार 50 लोगों में उल्टी दस्त और जी घबराने की शिकायत हो रही थी जिन्हें दरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा है और दूसरी बात यह है कि कल के चलिए गिरीश मैं आपसे जानकारी लूंगी क्योंकि खुद उपखंड अधिकारी जो हैं धरियावत से नवल किशोर गुप्ता जी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। हेलो। हाँ जी नवल किशोर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है जी। फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। दरअसल हमारा सवाल ये था कि लगातार मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है दूषित जल होना यहाँ पर वजह बताया जा रहा है आपका क्या कुछ कह रहा है इंतजाम फिलहाल किस तरीके के हो रहे हैं वहाँ पर? नहीं इंतजाम में कोई कमी नहीं है तो हीट बहुत ज्यादा है और पानी का इंतजाम हमने कर रखा है वो तो वहाँ से जैसे खबर लगी तो हमने उसका सारा इंतजाम कर दिया चिकित्सा वगैरह हो रही है। मैंने आज खुद ने दौरा किया है कल भी दौरा किया था हमारे एक्शन एम के पीएचडी के एससी वगैरह सब वहीं थे टीम उनसे भी आ गया था बिल्कुल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से व्यवस्था है पूरी। अब ये जो चल रहा है इस समय इतना हीट और सब चीजें बिल्कुल गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और दूसरी तरफ दूषित जल की भी शिकायत आई थी ये बात आप भी मानते हैं सैंपल लिए गए थे क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? नहीं सैंपल्स की रिपोर्ट अभी मेरे पास में कम्युनिकेशन है नहीं मैंने एएन को किया कि आप बाकी बताएं मेरे को तो आज तक तो आई नहीं है। नवल जी आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है कि सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है लेकिन मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है बड़ी आप में गंभीर समस्या ये आप भी मानते होंगे कि कल 30 से ज्यादा मरीज थे आज 20 तक पहुंच गए कल ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्या नाम जो है आज में सार्वजन वही था और डॉक्टर्स का चिकित्सा पूरी चल रही है ये क्या नाम जो है
कहीं भी किसी समय हो सकती है, तो इतनी हीट और इतना क्या नाम जो है पानी का और पानी की मात्रा देता हूँ उतना नहीं पता है ना सर, आप मेरे साथ ही हो सकती है, बाकी मैं उठ के आया हूँ जैसे। बिल्कुल, अब पूरे तरीके से आप यहाँ पर गंभीर भी नजर आ रहे हैं, हम उसमें सवाल खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को तो आप भी गंभीर मानते हैं कि इस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ना वो कहीं से भी सही नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि आंकड़ा ना बढ़े। अगर दूषित जल इसका कारण है, गर्मी की वजह तो हम भी समझते हैं, लेकिन अगर दूषित जल इसकी समस्या है तो इसका निराकरण जो है कैसे किया जाएगा, कैसे इसे सुधारा जाएगा? नहीं नहीं कर दिया हो तो निराकरण तो क्या है कि वहीं थे ना सारा दिन आईआरसी पीडी एक्सीएन एएन सब वहीं थे, और सीमेंट चो भी वहीं था, मैं भी वहीं था और डॉक्टर भी वहीं थे, और देख दिया सारा हमने जो है सब अवलोकन कर लिया तो हमने उसमें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे तरीके से गंभीर नजर आ रहे हैं, आगे भी इस तरीके से गंभीरता बरतेंगे और ये जो आंकड़ा है मरीजों का वो ज्यादा ना बढ़े, इंतजाम यहाँ पर पूरे करवा जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है गिरीश वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गिरीश, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर उपखंड अधिकारी ये कह रहे थे कि पूरे तरीके से मसले में हम गंभीर है, मैंने कल भी दौरा किया, आज भी गया, और आगे आंकड़े ना बढ़े, हम पूरे इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या वाकई इस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जिस तरह अगर प्रशासन इस मामले पर गंभीर होता तो आज लगातार दूसरे दिन भी जो मरीजों की संख्या है ये नहीं बढ़ती है, स्थिति सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन इस असमंजस में पड़ा था कि ये जो मरीज बीमार हुए हैं ये किस वजह से हुए, फिलहाल पुलिस प्रशासन चिकित्सा विभाग इसकी वजह की पुष्टि नहीं कर पाया। कल जो इस काम इस वजह के जो कारण आ रहे थे, दो कारण बड़े सामने आ रहे थे। पहला कारण जो है ये लू लगना बताया जा रहा था, और दूसरा कारण जो है ना दूषित जल की आशंका बताया जा रहा था। आज जब लगातार 20 मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है तब जाकर आज प्रशासन इस चीज को मान रहा है कि कहीं ना कहीं ये दूषित जल से इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई है। गिरीश, जिस तरीके से पानी के सैंपल लिए गए, आशंका यहाँ पर दूषित जल भी बताई जा रही है, अगर दूषित जल की सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, इस बात को भी माना जा सकता है कि ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट तो अभी नहीं आई और दूषित जल अगर कारण होगा तो मामले और बढ़ सकते हैं, इसे लेकर किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है कि कब आएगी रिपोर्ट? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब पहली बार ये घटना सामने आई। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी गिरीश, इसकी जानकारी मैं आपसे लूंगी, क्योंकि खुद डॉक्टर अवधेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिकित्सा प्रभारी है दरियावद से, उनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, आपसे भी हमारे जो संवाददाता है पहुंचे थे, जानकारी आपसे ली थी, आपका ये कहना कि इंतजाम यहाँ पर पूरे किए गए हैं, मरीजों का जो आंकड़ा है वो आगे नहीं बढ़ेगा जी, फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम आप द्वारा करवाए गए हैं? मैडम ये तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा तेज है जी, और उसके अलावा अपने वहाँ पे अभी दो टीमों का गठन और किया है जी, तो दो टीमें वहाँ पे 24 घंटे सेवाएं देंगी गाँव में ही जी, और उसके अलावा पानी के हमने नमूने ले लिए वहाँ पे, जिससे भी लोग पानी पीते हैं। अवधेश जी, यही जानना था कि वो जो नमूने आपने लिए हैं सैंपल, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? मैं रिपोर्ट में भी जैसे आपने कल का सैंपल का दिया है तो वो बोल रहे डिपार्टमेंट में बात की तो वो सोमवार तक का बता रहे हैं। आपको नहीं लगता तो कि काफी देर हो जाएगी अगर यही वजह होगी, क्योंकि गर्मी से मरीजों का बढ़ना ये समस्या जो है वो आम है, इससे हम निपट सकते हैं क्योंकि अगर हमें वजह पता होगी, लेकिन अगर दूषित जल है उसकी आशंका है, अगर उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तो दूषित जल से और ज्यादा बीमार ना बढ़े। जहाँ से लोग पानी पी रहे थे वहाँ से हमने पानी का लोगों को पीना बंद करवा दिया है, और हमने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराई है, उसके लिए हमने दो पानी के टैंकर गाँव में जो शुद्ध पानी के हैं उनको प्रॉपर। चलिए, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती दूसरा वैकल्पिक इंतजाम आपने यहाँ पर करवाया है, लेकिन जो तस्वीरें हम अस्पताल के अंदर देख रहे हैं चिकित्सालय में, यहाँ पर एक बेड में दो दो मरीज हैं, कई नीचे बैठे हुए हैं, इससे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था आप कब करवाएंगे? आपको नहीं लगता कि संक्रमण की यहाँ पर जो है बढ़ सकती है, संक्रमण जो है बढ़ सकता है, दूसरे मरीजों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि मरीज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं? मैडम उसकी व्यवस्था करने में लगे हैं, मैं अभी पूरे गांव का सर्वे करके सुबह का निकला, अभी आया हूँ सीएससी पे जी, और अभी हमने यहाँ पे हमारे क्या काफी वर्कलोड है सीएससी में, 50-bedded सीएससी है ये जी, और हमारे क्या डिलीवरी भी काफी होती है तो वार्ड में थोड़ी जगह कम है जी, तो उसकी अलग से व्यवस्था करने हमने दूसरा वार्ड अभी तैयार किया है, तो आज अभी शाम से हम सारे पेशेंट को उस वार्ड में शिफ्ट कर देंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप फिलहाल अभी गंभीरता दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे और जो मरीजों का आंकड़ा है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फर्स्ट इंडिया को तमाम जानकारी देने के लिए। चिकित्सा प्रभारी दरियावत से हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि हम पूरे तरीके से गंभीर हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाने वाले हैं एक ऐसा चिकित्सालय जिसे शौचालय में ही स्थापित कर दिया गया है। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद।